एक स्टार वैल्यू ऐसी होती है। मुझे अनिल जी बोलते थे कि नहीं, उस टाइम बोलते थे जो कम दिखता है वो ज्यादा बिकता है। तो एक था, हम दिल्ली गए, प्रीमियर दिल्ली में था, तो जब स्टेज पे जाते थे उस टाइम ऐसा होता था कि मुझे अनिल जी बोलते थे कि नहीं, अनिल कपूर जी, कि चलो चलो आगे चलो, ज़्यादा ओवर एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ये अनिल जी आपको कहते थे? हाँ, आप दिखो और चले जाओ। फिर लोग ढूंढे कहाँ गए, कहाँ गए, वो कहाँ गई, वो किधर गए, मतलब ज़्यादा अवेलेबल नहीं होना चाहिए। हाँ यस, तो आप जब बहुत आज बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, उस टाइम बोलते थे जो कम दिखता है वो ज़्यादा बिकता है। आपने ये महसूस किया? अब लोगों का ये है सोचना, पर मैं उसमें, मुझे तो नहीं लगता मैं मान रही हूँ, क्योंकि मैं तो फिर भी पीछे ही हूँ कि जब मुझे आना है तो मैं अच्छे से आऊंगी, नहीं तो मुझे आना ही नहीं है। पर लगता है कि अनिल कपूर जी की ये वाली एडवाइस आपको काम कर गई उस वक्त? उस वक्त काम कर गई, और आज भी मैं फील करती हूँ कि अगर आप थोड़ा दिख रहे हो तो लोगों को ये रहता कहाँ गए, किधर गए, थोड़ा सा दिखा तो और दिख जाता। ये एक आलसा है, एक अंदर का लालच होता है जो लोगों में रहता है। और आजकल एकदम आप जाओ और आप खड़े हो, आप उस, हम पार्टी में भी जाते थे ना, थम्सअप लिया गिलास में, वो गिलास ख़त्म हुआ, सबको हेलो की और घर वापस आ गए। ये पार्टी में भी होता था, हम रुकते नहीं थे ज़्यादा। तो एक स्टार वैल्यू जिसको बोलते थे, एक स्टार वैल्यू ऐसी होती है। तो हर चीज़ पे वर्क होता था कि आप स्टार अगर बनना है आसानी से नहीं बन जाओगे, उसके लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, बहुत कुछ आपको। अनिल जी इसमें बहुत परफेक्ट है, और आज भी आप उनको देख लो, बिल्कुल वो इतने परफेक्ट हैं इस चीज़ों में कि एकदम परफेक्ट, हर मामले में परफेक्ट। तो भी आज तक वो, आप देख लो अनिल जी का आपके सामने एग्जाम्पल है।